को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई है। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही, इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सतीन जैन जी के यहां रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे, सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां, उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। जय हिंद। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी को, सुनीता केजरीवाल को आप सुन रहे थे। और शराब घोटाले पर सुनीता केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, ईडी सो कॉल्ड शराब घोटाले में पैसा ढूंढ रही है, रेड भी की है लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। उन्होंने बड़ी बात यहां कह दी कि 28 मार्च को कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल खुद बताएंगे कि शराब घोटाले का पैसा आखिर है कहां। ये बड़ी बात जो है सुनीता केजरीवाल की तरफ से कही गई है।